दोस्तों, आप काम सीखने का शुरुआत कर दिए हैं और एक-एक पॉइंट के बारे में बारीकी से सोचना भी स्टार्ट कर दिए हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को पार्ट वन का वीडियो में समझाया हूँ कि जब आप आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक करके आते हैं तो बारीकी से किस तरह से आपको नॉलेज बनाना है। आज दोस्तों, मैं आप लोगों को जो डॉल स्टार्टर है इसका तीन टाइप का लोकल रिमोट का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। एक बार वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो बहुत आसान तरीका से आप कंट्रोल कनेक्शन कर सकते हैं और पावर का कनेक्शन इससे भी आसान है, इसको भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ लेना है और अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा बनाना है। इसलिए जब आप किसी प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल में जाइएगा और डॉल स्टार्टर का लोकल रिमोट का कनेक्शन करने के लिए बोलेगा तो आप बहुत आसान तरीका से करके दिखा सकते हैं। जब आप पावर का कनेक्शन कीजिएगा तो बहुत ही बारीकी से नॉलेज बनाना है कि ये जो आर वाई और बी सप्लाई है ये कहाँ से आ रहा है ना। जो आपका पावर बस बार है, पावर बस बार से कितना फेज है, तीन गो फेज है। इसमें वोल्टेज कितना है ना, 415 वोल्ट एसी, और फ्रीक्वेंसी है 50। आर वाई और बी सप्लाई किस में आ रहा है, एक आपका TPMCB में आ रहा है जो आपका 3 पोल का MCB है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। MCB में आपको दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। जब आप MCB को बंद रखिएगा तब आपका NO बना हुआ रहेगा, जब आप MCB को ऑन कीजिएगा तो MCB का जो तीन गो पोल है R, Y और B ये आपका क्या होगा, NC बनेगा और फेज सप्लाई आगे आएगा। ये जो बीच वाला निशान है इसका मतलब है कि जब आप MCB को ऑन कीजिएगा तीनों जो पोल है एक साथ में आपका कनेक्ट होगा। इसके बाद MCB से जो फेज सप्लाई आउट होके आएगा किस में आएगा ना, पावर कॉन्टैक्टर में आएगा। कॉन्टैक्टर, MCB, ये जितना सारा चीज़ है मैं आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट वन में बताया हूँ। एक एक पॉइंट जो है वो बारीकी से आपको देखना है और जब आप पावर कॉन्टैक्टर लेके काम करिएगा तो ये भी मैं बताया हूँ कि जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है इसमें आपको तीन गो पोल देखने के लिए मिलेगा, जो आपका एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है इसमें आपको चार गो पोल देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है इसमें आपको L1, L2, L3 देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ भी रहता है। इसका जो आउटपुट है, आउटपुट में T1, T2, T3 देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, जिस तरह से मैं फिटिंग करके रखा था यही सेम टू सेम इस तरह प्रैक्टिकल में फिट करना पड़ता है। जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है इसका सेफ्टी क्या है ना, ये आपका MCB है और ये ऑयलर है। ऑयलर का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड रिले, इसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं। तो जब आपका ये पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो आर वाई और बी सप्लाई जो है वो आगे आएगा, किस में आएगा ना, ऑयलर में आएगा। ऑयलर में आपको एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, वो है ओवरलोड। और बाकी और जो दो गो प्रोटेक्शन के बारे में बात आप जानते हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं पार्ट वन में एक्सप्लेन करके समझाया हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको पावर का कनेक्शन करना है। वायलर से जब आउटपुट होगा तो सीधा आपका जो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें जाएगा। मोटर में स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, और अगर आपको मालूम नहीं है तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल का कनेक्शन करना है। तो जो आपका कंट्रोल वायरिंग है ऐसे आपको देख के लगता है कि इसको हम कर नहीं पाएंगे, जो आपका MCC पैनल में किया हुआ रहता है। MCC पैनल के साथ अगर आप मिला के देखिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद इससे भी एडवांस जो और एक कंट्रोल वायरिंग होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो रहेगा पार्ट फोर में। और जो आपका कंट्रोल वायरिंग है इसमें वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस तरह से करना है, वोल्ट मीटर में एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ रहता है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, सीटी का कनेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका एम्पियर मीटर लगा हुआ है। अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़िएगा तो
तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेटर तरीक़े से बनेगा। एक बार में आसमान में चढ़ जाइएगा, किसी भी हाल में आपका बेटर तरीक़े से एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। तो ये जो आपका एक फेज और एक न्यूट्रल, इसको देख के हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो आपका कंट्रोल वायरिंग है ज़्यादातर ये 230 वोल्ट एसी का होगा। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल में कोई भी ड्राइंग या डायग्राम पढ़िएगा तो देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है 230 वोल्ट एसी और फ्रीक्वेंसी है 50। तो ये जो आपका फेज और न्यूट्रल है ये कहाँ से आ रहा है, ना कंट्रोल बस बार से आ रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, जितना भी बड़ा आपका सर्किट रहे। तो ये न्यूट्रल सप्लाई आया, तो जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसका A2 में कनेक्शन करना है। और ऑन ऑफ और ट्रिप का जो इंडिकेशन लैम्प है, इसमें जो X2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। इसके बाद आपको फेज का कनेक्शन करना है, ना फेज सप्लाई आया किस में आया, ना यहाँ पे एक आपका SPMCB लगा हुआ है, मतलब सिंगल पोल MCB लगा हुआ है। तो जब हम MCB को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका NC बनेगा, लेकिन जब आप MCB का कनेक्शन कीजिएगा तो देख लीजिएगा कि MCB में कुछ लिखा हुआ है या नहीं है। कुछ कुछ MCB में लिखा हुआ रहता है लाइन और लोड। लाइन में आपको इनपुट देना है और यहाँ से आउटपुट करना है। इसके बाद यहाँ से फेज सप्लाई जैसे ही आएगा, जैसे ही आप MCB को ऑन करिएगा तो यहाँ पे NC बनेगा। तुरंत जो आपका MCC पैनल में ये डॉल स्टार्टर रहता है, तुरंत ये जो ऑफ वाला इंडिकेशन लैम्प है ये आपका जल जाएगा। इसको देख के भी आप कन्फर्म कर सकते हैं कि जो स्टार्टर में हम काम कर रहे हैं इसका जो कंट्रोल है ये आपका ऑन है। यहाँ से फेज सप्लाई आया किस में आएगा, ना ये वॉयलर ओवरलोड रिले में 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद एक आपका ऑफ वाला पुश बटन है, ये क्या है, ना NC है। एक नंबर में इन होगा, दो नंबर से आउट होगा। NC मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। यहाँ से आउट होने के बाद किस में आएगा, ऑन वाला PV में, मतलब ऑन वाला पुश बटन में। जब हम ये ऑन वाला पुश बटन को दबाएंगे यहाँ पे आपका NC बनेगा और फेज सप्लाई आ जाएगा जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर का A1 का टर्मिनल है यहाँ तक। और जैसे ही A1 का टर्मिनल में फेज सप्लाई आएगा, तुरंत जो ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑन हो जाएगा। जब तक हम ये पुश बटन को दबा कर रखेंगे तब तक आपका ये जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, जैसे ही हम छोड़ देंगे तुरंत आपका बंद हो जाएगा। और ये जो NO है, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसीलिए मैं बोल रहा है कि जब तक दबा के रखिएगा तभी तक क्या होगा, NC बना हुआ रहेगा। जैसे छोड़ दीजिएगा तुरंत नॉर्मल कंडीशन में फिर दोबारा नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या ज़रूरत है, एक होल्डिंग सप्लाई देना ज़रूरी है। तो ये जो हम कनेक्शन बनाए थे ये कौन सा कनेक्शन बनाए थे, ना इंचिंग कनेक्शन। अभी आपको होल्डिंग कनेक्शन करना है। तो जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है इसमें जो आपका 2 नंबर टर्मिनल है और 3 नंबर टर्मिनल है, दोनों में से कोई भी एक जगह से एक वायर आपको उठाना है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर में जो आपका ये एडन ब्लॉक हम लोग लगाते हैं इस तरह से, इससे पहले भी जो Part 1 का वीडियो बनाए थे उसमें मैं आप लोगों को समझाया था कि ये 3 नंबर में इन करना है और 4 नंबर से आउट करना है। वही सेम टू सेम यहाँ पे बना हुआ है, 3 नंबर में इन करना है, 4 नंबर से आउट करके जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में कनेक्शन जोड़ना है। जब आप ये पुश बटन को एक बार दबाइएगा तो ये A1 टर्मिनल में फेज सप्लाई आ जाएगा, पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, यहाँ से फेज सप्लाई सीधा जाएगा A1 का टर्मिनल में। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा ये जो NO पॉइंट है ये आपका NC बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। तो ये हो गया दोस्तों एक डॉल स्टार्टर का कनेक्शन। अभी इंडिकेशन लैम्प किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी जानना है। तो सपोज़ आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे तो हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, तो जो आपका MCB का आउटपुट है यहाँ से तो हमारा ऑफ इंडिकेशन जल रहा है, वो किस तरह से जल रहा है इसको भी आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। फेज सप्लाई आया किस में आया, ना ये जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें आपका एक NO लगा हुआ है, एक NC लगा हुआ है। नॉर्मल में NC NCA रहता है,
फेस सप्लाई एक नंबर में इन हुआ, दो नंबर से आउट होके सीधा आ गया एक्स वन का टर्मिनल में, जो आपका ऑफ वाला इंडिकेशन है। तो जैसे आप एमसीबी ऑन करिएगा सीधा फेस सप्लाई ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप है इसमें आपका आ जाएगा। और ऑन वाला इंडिकेशन लैंप किस तरह से काम करेगा ना, जब यह पावर कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो ये एनओ से कनेक्शन दिया हुआ है, तो जैसे ही ऑन होगा ये जो एनओ पॉइंट है एनसी बनेगा और फेस सप्लाई आपका एक्स वन का टर्मिनल तक आ जाएगा। उस टाइम ये जो ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप है तुरंत बंद हो जाएगा, किस लिए ना, उस टाइम ये जो एनसी पॉइंट है ये आपका एनओ हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। इसके बाद जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है ये जब आपका मोटर में कुछ फॉल आएगा उस टाइम आपका ट्रिप करेगा, तो इसका कनेक्शन किस तरह से करना है ना, फेस सप्लाई आपको 97 में इन करना है और 98 में आउट कर देना है। तो जब जब आपका थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो ये जो 95-96 है ये एनओ हो जाएगा और ये जो एनओ पॉइंट है ये आपका एनसी बन जाएगा। जैसे ही एनसी बनेगा फेस सप्लाई आपका एक्स वन का टर्मिनल तक आ जाएगा और तुरंत आपका जो इंडिकेशन लैम्प है ट्रिप वाला वो आपको जल जाएगा। तो अभी दोस्तों ये जो डायग्राम है इसको आपको बारीकी से समझना है। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा जिस तरह से मैं पढ़ के समझा रहा हूँ इसी तरह से एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाना है, तभी पता चलता है कि आपके अंदर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है। इसके बाद आ जाता हूँ दोस्तों दो नंबर डायग्राम में। तो इसमें देखिएगा जो आपका कनेक्शन है वही सेम टू सेम रहता है, जो आपका एमसीसी पैनल है यहाँ से आपका एक फेज और न्यूट्रल आता है, आने के बाद हर जितना भी स्टार्टर है सब में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से आपका एक फेज सप्लाई किस में आया, वही सिंगल पोल एमसीबी में आया। कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है, इसी को आपको अच्छा से समझना है। तो जब आपका एमसीबी को ऑन करेंगे यहाँ पे एनसी बनेगा, फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, ऑयलर में आएगा, 95 में इन होगा 96 से आउट होगा। अभी ये जो नॉर्मल में एनसी बना हुआ है इसीलिए फेस सप्लाई आपका सीधा आ रहा है, किस में आएगा ना, ऑफ वाला पुश बटन। इसमें जब आप लोकल रिमोट का कनेक्शन करिएगा तो इस टाइप का आपका पुश बटन रहता है चार गो, दो गो ऑफ का रहता है दो गो ऑन का रहता है। और इसके पीछे देखिएगा जो ऑफ वाला है इसमें आपका एनसी लगा हुआ है, जो ऑन वाला है इसमें आपको एनओ लगा हुआ है। यही सेम टू सेम मैं यहाँ पर बनाया हूँ और इसमें आपका नंबर भी लिखा हुआ रहता है, जो एनओ है 3 और 4 और जो एनसी है 1 और 2। अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है। इसके बाद जो आपका ये फेस सप्लाई आ रहा है जो लोकल वाला पुश बटन है इसमें एक नंबर में इन करना है दो नंबर से आउट करना है, जो आपका रिमोट वाला पुश बटन है इसमें एक नंबर में इन करना है दो नंबर से आउट करना है। आउट करने के बाद सीधा आपका किस में आ जाएगा ना, जो आपका ऑन वाला पुश बटन है एक लोकल के लिए एक रिमोट के लिए दोनों का इनपुट में। तो इस जगह में अगर आप और बारीकी से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 नंबर और 4 नंबर, दोनों में लिख दीजिएगा और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको कनेक्शन समझ में आ गया कि 3 नंबर में लेके आना है और जो 4 नंबर से आउट करना है एक एक वायर दोनों को सीधा किस में दे देना है, जो आपका पावर का कॉन्ट्रेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। अभी ये काम किस तरह से करेगा ना, जैसे ही हम ये जो लोकल से पुश बटन को दबाएंगे यहाँ पे एनसी बनेगा और फेस सप्लाई सीधा आएगा पावर कॉन्ट्रेक्टर का A1 का टर्मिनल में, और जब तक पुश बटन को दबा के रखेंगे तब तक आपका जो पावर कॉन्ट्रेक्टर है ये ऑन रहेगा। इसको होल्डिंग देने के लिए वही सेम टू सेम है, 2 नंबर से एक बार टैप करना है और ये जो पावर कॉन्ट्रेक्टर है इसका जो एनओ है 3 नंबर में इन करना है और 4 नंबर से आपका आउट करना है। आउट करके किस में देना है, सीधा A1 का टर्मिनल में। अब ये जो ऑन वाला पुश बटन है इसको आप छोड़ भी दीजिएगा तो कंटिन्यू रनिंग ये जो पावर कॉन्ट्रेक्टर है ये रह जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बारीकी से आपको काम करना है, बारीकी से नॉलेज बनाना है। और जो आपका इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन है ये आपका सेम टू सेम रहता है, इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। और रिमोट से किस तरह से काम करेगा, जिस तरह से आपसे लोकल में काम कर रहा था वही सेम टू सेम आपका रिमोट से भी काम करेगा। तो अभी इससे आसान हमको लगता नहीं है कि और कुछ है, और थोड़ा अगर एडवांस में चलते हैं तो जो आपका एमसीसी पैनल है इसमें आपको सेलेक्टर स्विच देखने के लिए मिलेगा,
लेकिन किस तरह से काम करेगा ना, ये जो फेज सप्लाई है किस में आ रहा है ना, एमसीबी में आ रहा है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे यहाँ पे एनसी बनेगा, फेज सप्लाई आपका किस में आएगा, वायलर में आएगा, 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद किस में जाएगा ना, आपका ये जो वायलर है वायलर का आउटपुट से ठीक सेलेक्टर स्विच का कॉमन पॉइंट में। सेलेक्टर स्विच इससे पहले भी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ कि ये जो एक नंबर टर्मिनल है, एक नंबर में आपको फेज सप्लाई देना है, जैसे एक नंबर में दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट कितना में मिलेगा ना, A1 और A2 में मिलेगा। इससे आप दो दो कनेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए आपका 4 पोल दिया हुआ है। तो जब आपको एगो का ज़रूरत होगा तो एक ही से आपको काम करना है, एक नंबर में इन करना है और आउटपुट लेना है A1 और A2 से, जिस तरह से इस जगह में लिया हुआ है। और इसमें दोस्तों और भी कनेक्शन चेंज हुआ है, यही सेम टू सेम कनेक्शन में आप ये भी बना सकते हैं कि जो आपका लोकल रिमोट का कनेक्शन है, एक बार आपका इंचिंग में चलेगा, एक बार आपका होल्डिंग में चलेगा। यही सेम टू सेम कनेक्शन कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन, मतलब जितना सारा फ्रेंड CCM में ड्यूटी करते हैं, तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद ये कनेक्शन किस तरह से करना है ना, सेलेक्टर स्विच जब आपका ऑफ पोजीशन में है, मतलब ये जब आपका ऑफ पोजीशन में रहेगा तो ना लोकल से चलेगा ना रिमोट से चलेगा। जब हम इसको एक नंबर में डालेंगे तो फेज सप्लाई हमारा इसमें आ जाएगा, उस टाइम A2 आपका NO हो जाएगा। A1 में आया, आने के बाद ऑफ वाला पुश बटन में आएगा, इसके बाद ऑन वाला पुश बटन में। जैसे हम ऑन वाला पुश बटन दबाएंगे, फेज सप्लाई सीधे आ जाएगा A1 का टर्मिनल में। तो ये जब तक हम दबा के रखेंगे तभी तक आपका पावर कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, लेकिन ये जो A1 है, मतलब जो आपका लोकल से है, लोकल से हमको होल्डिंग में चलाना है और रिमोट से हमको इंचिंग में चलाना है। तो होल्डिंग कनेक्शन वही सेम टू सेम दिया हुआ है, जिस तरह मैं इस जगह में आप लोगों को समझाया हूँ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम कनेक्शन है। अगर आप मिला के भी देखिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। इस जगह पे भी आपका ठीक 2 नंबर 3 नंबर का बीच में से था, ये भी एकदम सेम टू सेम है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको कनेक्शन करना सीखना है, तभी क्या होगा, कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो ये जो फेज सप्लाई है इसका 3 नंबर से लिया हुआ है, जो ऑन वाला पुश बटन है सीधा इसमें आया, जो ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें जो आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें आपको 3 नंबर में इन करना, 4 नंबर से आउट करके A1 का टर्मिनल में दे देना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका होल्डिंग कनेक्शन, मतलब जब हम लोकल से चलाएंगे और पुश बटन को दबाएंगे तब आपका ये चलेगा होल्डिंग में, और जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को ये 2 नंबर में डालेंगे तब हो जाएगा इंचिंग में। इंचिंग में किस तरह से काम करेगा ना, फेज सप्लाई आया, जो आप वाला पुश बटन है इसका 1 नंबर में इन हुआ, फिर आपका 2 नंबर से आउट हुआ, 2 नंबर से आउट होने के बाद 3 नंबर में इन हुआ, 4 नंबर से आउट हुआ। आउट होने के बाद सीधा किस में गया, जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। तो जैसे जब तक हम ये जो पुश बटन है ऑन वाला इसको हम दबा के रखेंगे, तब तक आपका क्या होगा, ये आपका इंचिंग में कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों 3 टाइप का कनेक्शन के बारे में इसलिए मैं बताया हूँ कि सबसे आसान किस तरह से होता है एक डॉल कनेक्शन, इसके बारे में आपको एकदम 100% में से 100% कन्फर्म हो गया। इनने के साथ लैम्प का कनेक्शन किस तरह से करना है ये भी कन्फर्म हो गया, और लोकल और रिमोट बिना सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन किस तरह से करना है ये भी कन्फर्म हो गया, और सेलेक्टर स्विच दे के कनेक्शन किस तरह से करना है ये भी कन्फर्म हो गया। अभी नेक्स्ट जो है ये अब आएगा पार्ट 4 का वीडियो, पार्ट 4 में और आपको एडवांस देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा तो बहुत आसान तरीका से आप नॉलेज बना सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।